हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ रिपब्लिक डे स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बनाएंगे खोया की ट्री कलर बर्फी रेसिपी। मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देर न करते शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। ट्री कलर खोया बर्फी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम खोया लिया हुआ है। तो खोए को सबसे पहले हम एक पैन में डाल देंगे और इसको हम भून लेंगे। तो इसको हमें लगातार चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे भूनना होगा। तो एक पैन ले लेते हैं और उसमें मावे को ऐड कर देते हैं। तो एक पैन में मैंने मावे को ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं मावा थोड़ा सा भी टाइट है क्योंकि मैंने इसको भी फ्रिज से जस्ट निकाला है। तो इसको मैं स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा इस तरीके से सॉफ्ट कर लूँगी और फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। तो इसीलिए हम इसको लगातार चलाते हुए मावे के सॉफ्ट होने तक इसको हम भून लेंगे और आपको मावे को लगातार ही चलाना होगा। तो देख सकते हैं मावे का टेक्सचर चेंज हो गया है। तो मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लिया और मावे को आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है। तो मैंने इसमें 1/3 कप बूरे का ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी को भी ऐड कर सकते हैं। मिक्सी के जार में डालकर चीनी को आप पीस सकते हैं या फिर आप इसमें बूरा कांड भी मिक्स कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने जो बूरा इसमें मिक्स किया है उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब आप इसमें शुगर ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है एक बार फिर से। और आप देख सकते हैं शुगर ऐड करने के बाद मावा एक बार फिर से लूज़ हो गया है। शुगर को ऐड करने के बाद फिर से आपको इसको 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनना होगा। बस अब मावे को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, बस इतना भूनना होता है कि इसका कच्चापन निकल जाए और मावा की बर्फ़ी जो हम बनाएंगे वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए भून लिया है। तो इसको हम अलग पैन में से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हम ट्री कलर बर्फी यहाँ पर बना रहे हैं। तो 3 अलग बाउल में अलग अलग पोर्शन में इसके निकाल दूँगी। तो इक्वली हम इसके पोर्शन निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं मावा भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन कलर के लिए एडिबल फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ जो हम यहाँ पर मिठाइयों में यूज़ करते हैं। अगर फूड कलर किसी भी ग्रोसरी शॉप पर इजीली अवेलेबल होंगे तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज के लिए ऑरेंज लिक्विड फूड कलर इसमें यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर ड्राई और लिक्विड दोनों ही आपके साथ कलर यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर एक मैंने इस तरीके का प्लास्टिक रैप ले लिया है, इसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया था देसी घी लगाकर। तो इस पर सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रीन कलर को इस तरीके से फैला दिया है और बहुत ही इजी है गाइस इसको स्प्रेड करना। बस मावे को आपको बहुत ज़्यादा ठंडा करके नहीं करना है, जब मावा हल्का गर्म होगा तभी आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। तो वाइट वाले पार्ट को भी इसी तरीके से मैं स्पून की हेल्प से मैंने देख सकते हैं आप फैला दिया है। और इसको मैंने देख सकते हैं इसकी बहुत ज़्यादा इसको ना मोटा रखा हुआ है ना बहुत ज़्यादा पतला रखा हुआ है। तीनों ही शीट जितनी भी हम तैयार करेंगे तीनों शीट को हमें इक्वली बेल कर तैयार करना होगा। और आप देख सकते हैं वाइट वाला थोड़ा सा बड़ा है बट इसके एजिस को मैं जब अलग करूँगी तो ये इक्वल साइज़ में आ जाएगा। तो इसको हम ग्रीन कलर को ऊपर रख लेते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पर ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। तो हमें वाइट वाले कलर को बीच में रखना होगा और ग्रीन और ऑरेंज को ऊपर नीचे की साइड हमें फैलाकर इसको सेट करना है। तो ऑरेंज कलर को भी देख सकते हैं स्पून की हेल्प से मैंने इसको फैला दिया है। तो आप किसी भी प्लास्टिक रैप या फिर आप बटर पेपर पे इसको फैला सकते हैं, बहुत ही इजी हो जाएगा आपको इस तरीके से। तो देख सकते हैं वाइट वाले कलर के ऊपर मैंने ऑरेंज वाले कलर को भी इस तरीके से सेट कर दिया है। हाथों से थोड़ा सा इसको इक्वली कर लेंगे जैसे कि ये प्लेन हो जाए। तो इसको हमसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट हो चुकी है और ये देख सकते हैं हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो 10 से 15 मिनट में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसकी एजिस को हम अलग निकाल देंगे जिससे ये इसकी काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं इसको साइड्स को हम अलग निकाल देंगे। उसे हम इनको कट कर लेंगे जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया से सेट हुई हैं गाइज़। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही जल्दी सेट हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा भी इनका वेट नहीं करना पड़ता है। तो इसकी साइड्स को हम अलग निकाल देंगे और इनको हम इक्वली शेप में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया ट्री कलर बर्फी बनकर हमारी तैयार हुई है। तो आप इस रिपब्लिक डे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा।
तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मावे और खोवे की बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देख सकते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।